महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज गुजरात के दांडी पहुंचेंगे पीएम मोदी। नमक सत्याग्रह स्मारक का करेंगे उद्घाटन। पहले सूरत इंडोर स्टेडियम में 18,000 युवाओं से करेंगे संवाद। यूथ कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा आज पहुंचेगी दिल्ली। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा समापन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। समाज सेवी अन्ना हजारे ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। अपने गांव रालीगंज सिद्धी में अनशन पर बैठे अन्ना, लोकपाल के मुद्दे पर कर रहे हैं आंदोलन। कुंभ में स्वामी स्वरूपानंद की धर्म संसद का आज आखिरी दिन। आज सरकार के खिलाफ पारित हो सकता है प्रस्ताव। कल से दो दिन तक वीएचपी भी करेगी धर्म संसद। आज कानपुर और लखनऊ के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। बजट सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई बैठक। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़े। अमित शाह की रैली के बाद बिगड़े हालात। ममता ने बीजेपी को घेरा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष समेत दो का इस्तीफा। मोदी सरकार पर लगाया अनदेखी करने का आरोप। कांग्रेस ने सरकार पर किया वार। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का राहुल और प्रियंका गांधी पर विवादित बयान। प्रियंका को बताया शूर्पणखा और राहुल को रावण कहा। हिमाचल में प्रचंड ठंड का कहर जारी। 6 जिलों में पारा माइनस में पहुंचा। सुबह में आज से फिर शुरू होगी बारिश और बर्फबारी। चुनाव से पहले भारत दौरे पर आ सकते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। फरवरी या मार्च में कर सकते हैं भारत का दौरा। आम चुनाव से पहले भारत में बिगड़ सकते हैं हालात। अमेरिकी स्पाई मास्टर ने जताई देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने की आशंका। ब्रिटेन और ईयू के 27 सदस्यों के बीच अब ब्रेग्जिट समझौते पर नहीं होगी पुनः वार्ता। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता डोनाल्ड टस्क ने दी जानकारी। कहा ब्रिटेन की सरकार जल्द अपनी मंशा साफ करे। अफगानिस्तान में शांति को लेकर अमेरिका प्रतिबद्ध। कहा अफगानिस्तान को फिर से आतंकियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया की एक 9 साल की लड़की ने उगाई सबसे बड़ी गोभी। 14 किलो की गोभी उगाने पर पुरस्कार में मिले 70,000 रुपए। आवास ऋण मुहैया कराने वाली प्रमुख कंपनी HDFC को मुनाफा। वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में 2,114 करोड़ का हुआ मुनाफा। उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली प्रमुख स्टार्टअप इंजन टी हब ने नियुक्त किए नए CEO। रवि नारायण बने नए निदेशक। हरे निशान के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 110 अंकों की मजबूती के साथ 35,705 पर पहुंचा। निफ्टी 28 अंकों की बढ़त के साथ 10,680 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। भारी कमजोरी के साथ हुई रुपए की शुरुआत। डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे टूटकर 71.36 के स्तर पर खुला। रुपया कल 1 पैसे की कमजोरी के साथ 71.11 के स्तर पर हुआ था बंद। और अमेजन फ्लिपकार्ट ने FTI पर सरकार से मांगी 6 महीने की मोहलत। कहा अगर मौका नहीं मिला तो कंपनी के ग्राहकों के टूटने का खतरा है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।